तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, ओह इसमें तो देखते ही फाइव भूल गए। आपको याद है देखते ही बताया था आंसर मारने के लिए, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? डिटेल सिखाऊं या शॉर्टकट से काम चलेगा? शॉर्टकट तो पांच आंसर, और लॉन्ग कट तो मैंने कहा था ऐसा एक्स, फिर पहले स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक रूट हट जाएगा, फिर बचेगा क्यू रूट 25, यहाँ से फिर एक्स, फिर क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, ये क्या था ना एक्स पावर सिक्स, ये क्या हो गया पाँच का क्यू, और यहाँ हो गया पाँच का स्क्वायर इंटू एक्स, एक एक्स कट गया, एक्स बराबर पाँच का क्यू, यहाँ भी क्यू और दो के तो पाँच हो गया ना, यहाँ भी पाँच यहाँ भी पाँच कट गया, तो क्या एक्स पावर कितना आ गया पाँच। डिटेल में ऐसे शॉर्टकट में डायरेक्ट सिखाया था कि इसका पावर यहाँ आ जाएगा आंसर पाँच। कोई दिक्कत तकलीफ? नो, डायरेक्ट सिखाया था ना, भूल गए? याद है 2 पावर a 3 पावर b बराबर 31, 2 पावर a + 5 - 3 पावर b + 1 बराबर 47। फाइंड करें a प्लस बी, ठीक है? यहां देखें बात ना करें, कृपया ध्यान दें फटाफट। मैंने कहा था आपको याद कीजिए कि हम क्या पुट करें यहाँ पर, या तो जूम कर, डिटेल भी सिखाया था आपको, है ना? यदि यहाँ एक लिखें तो माइनस करो, कितना आ गया 29, क्या 29 3 से कट गया? नो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 लिखें, 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, क्या 3 के पावर में आ गया? ओ इसका मतलब 27 मतलब हमारा 3 होगा, है ना? तो ऐसे ज़ूम कर लेंगे, a बराबर इतना b बराबर इतना, ठीक है ना? तो a प्लस b निकालना था, कितना हो जाएगा 2 + 3 क्या बोलेंगे 5 आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए फटाफट देखिए। एक व्यक्ति अपने इनकम का 40% अपने वाइफ को दे दिया, कोई दिक्कत आपको? देने दो, ठीक है ना? अपने तीनों बेटों में से प्रत्येक को शेष का 20% देता है, तीन लड़का है ना, सब ए बी सी नाम दे दो, ए बी सी सबको 20 20 20 20 शेष का, तो शेष का शेष कितना था 60, तो 60 का 20% कितना होता है, तो 12 12 सबको दिया, 12 12 तीनों बच्चा को कितना दे दिया 36 दे दिया, ठीक है ना? सबको 20-20 दिया, समझ में आ रहा ना? सबको 20-20 दिया, ठीक है? या तो आप ऐसे ले सकते हैं या आप डायरेक्ट ले सकते हैं, रिमाइंडिंग 60 है, 20-20% प्रत्येक को, तो 20 40 60, रिमाइंडिंग का ही 20 सबका मिला 20-20-20-20, ठीक है ना? तो 20-20 कितना 60, तो 60% दे दिया अपने पुत्रों को, ठीक है ना? तो रिमाइंडिंग का 60%, तो पुत्रों को दिया 36, अब बचा कितना यहां से 24 बच गया, तो 24% बच गया ना, यहां से 60 में से 36 गया, कितना बच गया 24, और आधा भाग अन्य चीजों में खर्च किया था, कितना बच गया आधा, और आधा किसके बराबर है 12 के बराबर है, आधा खर्च किया बचा कितना आधा बच गया, तो और जो 12 बच गया वो 12,000 के बराबर है, तो पूरी कमाई व्यक्ति का कितना था, जैसे चाहे से काट ले, है ना, 1,00,000 रुपया, कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4, ओ इसमें भी दिया है एक, देखिए जरा फोर्थ नंबर, इसने सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है ना, सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल लेट ए एंड बी, यही था ना, और कॉस्ट प्राइस 2:1 का रेशियो दिया, दुगना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 कलम बेचा तो एक कलम का दाम है 2 रुपया, तो 20 कलम तो कितना होगा 20 रुपया, 20 दुनी 40, 5 पेंसिल के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 विक्रय मूल्य क्या है बी, 5 बी, तो लाभ गुने 100/ कॉस्ट प्राइस। और इसने 30 पेंसिल बेचा, 30 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम है 1 रुपया है, तो कॉस्ट इतना आ जाएगा। और 10 पेन के विक्रय मूल्य कितना है 10 ए है ना, बस हो गया 100 से 100, मैंने फालतू में लिखा आपको दिखाने के लिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ से काट दीजिए, काट दें 5 और 20, ये 3 यहाँ आ गया और 4 दुनी ऊपर ए बी यहाँ आ गया, ए बी का रेशियो कितना आ गया 3:8 आ गया, 3:8 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके इनका रेशियो निकाल दिया, ठीक है ना। ये था 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेंसिल का दुगुना है, तो पेंसिल इधर आएगा तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले का एवरेज 12.4 रन पर विकेट था और अब का एवरेज 0.4 घट गया तो 12, अभी उसने 5 विकेट लिया है तो 12×5=60 रन देगा, लेकिन 60 कहाँ दिया, उसने 26 रन ही दिया, ओहो अब कहाँ से लाया होगा, कितना एक्स्ट्रा बताओ 34, ये कहाँ से लाया, ओ पहले वाले से ले लिया, पहले वाले से कितना लिया 0.1 से लिया 0.4, कुल इतना लिया, तो कितने लोगों से लिया 10, 5 × 10 17×34, तो पहले 17×5=85, पहले कितने विकेट लिया था 85। और क्वेश्चन क्या है अंतिम मैच, पहले था उसका और अंतिम मैच था कितना था 90, ठीक है ना, पहले इतना बाद में इतना हो गया, ठीक है ना। इसमें उसने अंतिम मैच में और अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच में 90, अंतिम मैच से पहले 85 विकेट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले उसका एवरेज था 12.4, अब उसका 0.4 घट गया तो कितना हो गया 12, तो अभी उसने 5 विकेट लिया तो कितना रन देगा 60 रन, लेकिन दिया तो 26 रन ही है, तो और कहां से लाया, तो पहले वाला से ले लिया, कि उनका तो घट गया ना, उनका रिड्यूस हो गया, तो 1 से 0.4 ले लिया, तो 1 से 0.4 तो कितना से लिया 85 लोगों से लिया, तो पहले का विकेट 85 था, बस कहानी साफ, ठीक है ना। अब ऐसे बना लो, एलिगेशन छोड़ो, क्लास में बताया ना 3-4 तरीके से, एक ही तरीका बनाओ, टेस्ट हो रहा है, क्लास थोड़ी हो रहा है, देखो चले। कहा कि रेशियो है 5:3 का बॉयज और गर्ल्स का, जो बॉयज और गर्ल्स आए क्लास में उनका रेशियो 5 और 7 है, और अब जो है बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:5 हो जाता है, और कुल बच्चे कितने आते हैं 1200, तो इसका मतलब 700 लड़के आए और 500 लड़कियां, 7:5 का मतलब क्या हो 700 500, 1200 को डिवाइड करेंगे तो ही ना आएगा, तो मैंने कुछ सिखाया था 7×5 = 5, यहां कितने का अंतर है 20 का अंतर जो है वो किसके बराबर है 2400, क्या होता है 1 बराबर कितना हो गया 1 बराबर 100, तो पहले कितने थे 12×5 = 1260,
पहले बच्चे कितने थे, 900, पहले 960 स्टूडेंट थे। यस तो अच्छा दोनों टुगेदर कर दिया, बॉयज इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, ऑप्शन टुगेदर है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक मूल संख्या इनके कितने थे, 960, ठीक है ना, टोटल होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर। और न्यू कितने ज्वाइन किए, तो अब पूरा 1200 बच्चे हो गए ना, कितने बच्चे हो गए 1200, तो 1200 में 960 तो पुराने हैं, तो नए कितने आए बोलिए, 240 न्यू ज्वाइन किए, कुल मिलाकर 1200 बच्चे अभी हैं, और पहले 960 थे, तो ज्वाइन कितना कि 240 किए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और 5-7 वहां थोड़ी पुट करेंगे, वैल्यू वैल्यू तो यहां पुट करेंगे, हाँ, वो अब नया हो गया, कुल मिलाकर 1200 बच्चे हो गए, अब स्कूल में कुल 1200 बच्चे हैं जो नए आए हैं। तो इससे हमको मतलब हम यहीं से निकाल लिए ना भाई साहब कि पहले कितने बच्चे थे, 960, हाँ भाई, 7 और 5 का रेशियो में अब बच्चे हो गए, कुल मिलाकर 1200 हो गए, तो किस रेशियो, 700 500 ही तो आएगा, 12 बराबर 1200 तो 1 बराबर 100, भूल गए यार, 7 बराबर 700, 500 बराबर 500, ठीक है ना, कई आदमी है, देखो 7 नंबर देखो फटाफट, कहा कि ओहो इसमें भी एक क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ठेका लिया जी 150 दिन में काम करने के लिए, ठीक है ना, जिसमें 20 मेल्स 30 फीमेल्स एंड 25 चिल्ड्रेन को लगा दिया, ठीक है ना, 20 पुरुष 30 फीमेल्स 25 बॉयज या चिल्ड्रेन, कुछ भी कर दो, सी लिख दो या बी लिख दो, ठीक है, क्या हुआ, ये लोग 60 डेज में कितना काम किए, 1/4 काम किए। ठेकेदार देखा भैया ये लोग काम सही से नहीं कर रहे हैं, वो सभी महिलाओं को हटा दिया, 50 बच्चे भी हट गए, अब बोला कितने को बुलाऊं, एक्स मेल टोटल मिला के मान लो, जो लास्ट में आएगा उसमें 20 हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, कि 20 पहले से भी हैं और बच्चे भी आ गए ना, पहले क्योंकि 75 थे तो 50 ही छोड़े ना, 25 बच्चे तो है ही ना, चलो यहां देखो फटाफट कर सकते हैं, 20 मेल प्लस एक्स मेल, ठीक है, अब जो है इनके पास काम कितने हैं बोलिए, शेष काम कितने, 3/4 3/4 है, ठीक है, इसने दे दिया है कि 3 पुरुष का काम 5 महिला के बराबर है और 2 महिला का काम 3 बच्चों के बराबर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो यहाँ से रेशियो निकल गया मेल फीमेल का 5:2, फीमेल और बॉयज का रेशियो 3:2, तो मेल फीमेल बॉयज का रेशियो 5:3 और यही ना, लगातार आ गया ना, ये तो कट गया, यहाँ पुट करो 20 बच्चे 30 अच्छा देता हूं, अच्छा पूरा काम 150 दिन में करना था, 60 दिन हो चुके हैं, तो कितने बच गए, 90, और 90 के 5 दिन पहले समाप्त करने थे, कितने दिन में, 85 दिन में काम करने, ठीक है ना, यहां 85 लिख देता हूं, ठीक है, तो शुरू हो जाए, 75 दुनी 150 और यहां पर कितना हो जाएगा, 5 5x ना, 5x प्लस 25 दुनी 50 और यहां क्या है, 3 और 50, इसे हटा दू ना, इसे हटा दिया, ठीक है ना, इन्हें जोड़िए कितना आ गया, कितना, 300 गुने 60
तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए पचासी से, फाइव एक्स प्लस पचास को दिक्कत। अरे क्यों कॉमन के चक्कर में, डायरेक्ट काटो नहीं है, ये पूरे पूरे कट गया कितना बार में, चार बार में, चार से गुना कर दो कितना गया 720 माइनस 50 कितना गया 670, पाँच से भाग दे दो कितने आ गए 100, जल्दी 200 गुना कर दो ना 130, अच्छा 134 में से पुराने कितने थे तो नए कितने आ गए 114, ठीक है ना, तो न्यू आ गए 114, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, डरना नहीं। कहा ए और बी मिलकर जितने समय काम करते हैं, सी अकेले उतने समय काम करता है, ठीक है ना, ए 10 दिन कम समय लेता है और बी 8 दिन अधिक समय लेता है, ठीक है ना। यहाँ दिया है ए और बी मिलकर एक काम को सी के बराबर समय में करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्या बोला, ए सी जो है ए से 10 दिन कम समय लेता है जबकि बी से, क्या ए टेक्स 10 डेज लेस देन बी है, उल्टा लिखा, ए टेक्स 10 डेज लेस देन बी, और क्या बोला ए डेज मोर देन, यही ना, ए डेज मोर देन सी, यही ना, चलिए बहुत अच्छा। तो ए बी सी अलग अलग, तो देखिए प्लीज फटाफट देखिएगा, तो क्या हम ए के बदले में सी प्लस 8 लिख सकते हैं और ये 10 इधर आ जाएगा, तो बी जो है सी से कितना अधिक लिया 18, ए सी से 8, तो दोनों मिलकर जितना दिन काम करते हैं सी अकेले उतने दिन में करता है, तो ए और बी का दिन सी के दिन के बराबर है। तो आपको याद है मैंने सिखाया था ना कि दोनों मिलकर जितना दिन में करते हैं, यदि ए उससे 8 दिन अधिक ले रहा है और बी उससे 18 दिन अधिक ले रहा है, तो याद आ रहा है ना, दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त करेगा और वही दोनों मिलकर जो आएगा वही सी का दिन आएगा, तो सी करेगा 12 दिन में और ये 12 और 8 20 और 12 18 30, तो ए का 20 इसका 30 इसका 12 दिन आएगा, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में बना दिया गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा कि इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बी के समद्विभाजक पर लंब है, एडी कोण बी के समद्विभाजक पर लंब है, एडी कहां लंब है, एडी इज द परपेंडिकुलर द एन इंटीरियर बायसेक्टर ऑफ एंगल बी, बी के समद्विभाजक पर लंब है, ठीक है ना, वेरी गुड, देखो कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री है। फिर कहा कि डी ई जो है बी सी के पैरलर एक लाइन है, डी जो है बी सी के पैरलर है, ए सी की लंबाई 12 है तो ए ई की लंबाई क्या होगा, ठीक है ना, तो सुनिए थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन आगे कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। अब यहां देखिए ये एंगल बायसेक्टर है, किसी भी ट्रायंगल में मैंने सिखाया था कि यदि एंगल बायसेक्टर हो और परपेंडिकुलर हो तो मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर है मीडियन है तो एंगल बायसेक्टर भी होगा,
दो होगा तो तीसरा अपने आप होगा। इसका मतलब एंगल बायसेक्टर और परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दो भाग में इसको बांटता भी है, मीडियन भी होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये दोनों जिस रेशियो में बटा है वही रेशियो में ये बटा होगा। तो इनका ये मिड पॉइंट है, तो 1:1 है, तो ये भी 1:1, तो 6 इधर 6 इधर, तो SA बराबर 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से प्लीज। 10 में कहा कि ए बी एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ऐसे ए बी है और ए बी को डायमीटर एसी डायमीटर में सर्कल बनाया, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। चलिए ए बी हो गया डायमीटर, ठीक, सी ए बी का मिड पॉइंट है, सी क्या है, सी मिड पॉइंट नहीं है, देखो इस हिंदी में लिखा क्या है, जिस पर एक मध्य सी स्थित है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखा है ना, हिंदी में गलती लिखा, ठीक है ना, चाहिए दोनों को एक होगा। देखो मैं सिखाता हूँ दोनों तरीके से, यदि मिड पॉइंट है तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। एक और सर्कल है, एक सर्कल एक और है जिसका सेंटर क्या है, सी है, ए बी डायमीटर हो गया, इसका सेंटर सी है, यदि मिड पॉइंट है तो, अरे मिड पॉइंट नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। यदि हम मिड पॉइंट जोड़ते हैं तो इसका आंसर डी होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। हाँ तो सी द मिड पॉइंट, सी क्या है, इसका मध्य बिंदु है, यदि सी मध्य बिंदु है तो मेरे बात ध्यान सुने प्लीज। कहा कि ए पी दूसरे एक ए पी एक लाइन मान लो ऐसे ए पी जो इस पे है बड़े वृत्त पर है, छोटे वाले को क्यू पर काटा, ठीक है ना, तो मेरे बात ध्यान सुनिएगा। ये देखिए ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये कॉमन एंगल है, एक छोटा ट्रायंगल बड़ा में, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये तभी होता है जब ये पैरेलल होता है। अरे ये एंगल कोरेस्पोंडेंस एंगल, तभी तो बराबर होगा, ये दोनों बराबर है ना, ये दिया है तो कोरेस्पोंडेंस एंगल होगा, ठीक है ना। और इनका इनका सम 180 होता है तो ये भी 180 हो ही रहा है, क्योंकि ये 90 90 180 हो रहा है, तो ये पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्यू सी पैरेलल टू पी बी, एक तो है ही पहला, यदि मिड पॉइंट नहीं रहेगा तो सिर्फ यही आंसर हो जाएगा, जब मिड पॉइंट होगा तो इनका रेशियो 1:1 और ये पूरा डबल हो जाएगा, ये 1 तो पूरा ये डबल हो जाएगा, ये 1 तो पूरा डबल, तो इसका ये आधा होगा। तो हम कह सकते हैं क्यू सी इज द हाफ ऑफ मिड पॉइंट होगा तो क्यू सी इज द हाफ ऑफ पी बी, यदि मिड पॉइंट होगा तब, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। मेरे बात समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कहा कि एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, वेरी वेरी गुड। अब जो है इनके बीच का कोण निकालना है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका m1 कितना है,
माइनस वन बाई टू, एम टू कितना है, माइनस टू बाई माइनस वन, मतलब टू है, यही ना। जब दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन हो तो क्या होता है, तो 90 डिग्री, डैट 90 डिग्री। और मैंने सिखाया था आपको, याद कीजिए, याद है ना, एम बराबर माइनस ए अपन बी सिखाया था ना, टैन थीटा एम वन माइनस एम टू और वन प्लस एम वन इंटू एम टू। इससे बना सकते हैं हम, एम वन कितना है माइनस वन बाई टू, एम टू कितना है टू, एम वन प्लस माइनस वन बाई टू इंटू टू, ये वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो नीचे तो वैल्यू क्या हो गया इन्फिनिटी, तो टैन का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है 90 डिग्री। इस थीटा इस, और ऐसे भी दे दो, दो परपेंडिकुलर है ना, एम वन इंटू एम टू डायरेक्ट यहीं से, एम वन इंटू एम टू माइनस वन, तो थीटा इज, तो ये ऐसे 90 डिग्री है, दोनों बराबर पैरेलल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर, देखिए कहा कि ए और बी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ए ने कांस्टेंट गलत कर दिया, तो कांस्टेंट गलत कर दिया मतलब देखो होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कांस्टेंट गलत कर दे ये तो सही है, तो इसका सम सही होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा सही किया होगा, ये तो सही है ना अल्फा प्लस, क्योंकि इसमें बी माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 माइनस 3, ये तो सही है ना जी। दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि उस एक्स के कोफिशियंट गलत कर देता है, मतलब माइनस बी बाई ए गलत कर दिया, तो अल्फा इंटू बीटा सही किया होगा, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस 3 कितना हो गया, ये तो सही होगा, ठीक है ना। तो सही इक्वेशन कैसे का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर जीरो, तो इसके इक्वेशन ये हैं। और फैक्टर निकालने आता है माइनस 3 प्लस 1, उधर जाके प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस 1 और 3, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ, क्वेश्चन नंबर 13, कहा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री, ये हो गया बी ये हो गया सी, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी, तो बी प्लस सी 90 डिग्री, तो ये 1 और ये 2 कम्प्लीमेंट्री, दोनों का एंगल का सम 90 हो तो ये भी 1, तो क्या हो जाएगा 2 आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 14, 2 sin power 6 theta प्लस cos power 6 theta माइनस टी इंटू 4 theta प्लस cos power 4 theta, मैंने आपको डिटेल भी सिखाया था, याद कीजिए, और एज्यूम करके भी, फिलहाल मैं एज्यूम कर देता हूँ इसको, थीटा इक्वल टू कुछ मान लो, क्या मान लो 90 या जीरो, जीरो, तो यहाँ बचेगा कितना, ये जीरो ये वन, ये जीरो ये वन, तो ये क्या होगा 2 माइनस t प्लस 1 बराबर 0, टी बराबर 3 आंसर, तो ऐसे एज्यूम करके ही बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, एक मिनट। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 15, दिखाई दे रहा सबको,
15 में है कि कोई राशि जमा किया साधारण 10-15 से, मिश्र धन कितना हुआ, तो 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, यहाँ से अमाउंट कितना है 400, यहाँ से कितना है 200, याद है ना 100 प्लस RT क्या होता है अमाउंट, ये रेशियो हो गया, ठीक है ना। रेशियो के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो परसेंटेज के फॉर्म में या तो रेशियो के फॉर्म में, ठीक है ना। परसेंटेज में होता है ना ये, तो रेशियो तो कट जाएगा, परसेंटेज दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बस 20 × 2 = 40। यहाँ एक से गुना करेंगे तो 100 + 10 t, और हाँ 2 से कहें 200 + 8 t, इधर लाइए तो 2 t, इधर लाइए तो 100, तो t बराबर, तो समय कितना था 50 साल के लिए था, 50 years, कोई दिक्कत। यहां देखें प्लीज फटाफट, 16, कोई राशि 10 साल में नौगुनी हो गई, 10 साल में नौगुनी, तो आपको याद है मैंने क्या सिखाया था कि नौगुनी होने में 10 साल लगे, इसका मतलब यह है कि 3 पावर 1, 5 साल में कितनी हो जाएगी, 5 साल में 3 गुनी, दिखाई दिया, तो 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, तो 5 साल जमा करो, फिर जमा करो 5 साल, 15 साल में कितना हो जाएगा 27 गुनी हो जाएगी। 5 साल जमा करें तो आपका पैसा 3 गुना होगा, फिर 5 साल तो फिर 3 गुना, फिर 5 साल 3 गुना, ठीक है ना। तो ये आ गया 10 साल में, देखो उसी उससे बना लो, 10 साल में 9 गुना था, 15 साल में 27 गुना, डिटेल भी सिखाया था आपको, इसमें नहीं लिखा है SICI, ये CI है, ठीक है ना, CI ऊपर में क्या लिखा है, ठीक है ना, ऊपर वाला में सिंपल इंटरेस्ट डालो, नहीं लिखा है इसमें भी, छोड़ दिया है, इसमें SI इसमें CI, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, ये डिटेल सिखाए हैं क्लास में, देखना कॉपी उलट के मिटा दूं इसको, देखिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 17, ए बर्तन है, बी बर्तन है, सी बर्तन, एलिगेशन में सिखाया था याद कीजिए, इसका 1/4 यहाँ मिला दिया, 1/4, यहाँ कितना बच गया 3/4। अब इस बर्तन का मतलब बी प्लस ए बाई 4 का 1/3 यहाँ मिला दिया था, क्या बचा, यहाँ बचा 2/3। फिर सी का 5/11 वहां मिलाया गया, तो बचा कितना 6/11, जो किसके बराबर है 6 के बराबर है, इसका मतलब पहले पूरी क्वांटिटी कितना था, ये पूरी क्वांटिटी पहले था 11, 11 में यहाँ 6 बचा है, तो यहां मिलाया कितना था, यहां 5 मिलाया था, यही ना, इसका 5/11 यहां मिला दिया, तो बचा 6/11, बोला अब इसमें 6 बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये 6 कट गया, 11 थे पहले ही, पूरा 11 था, तो यहाँ 6 बचा है, तो हम मिलाया कितना, 5 ही तो मिलाया होगा, तो हाँ 5 मिक्स किया होगा, एलिगेशन बताए थे याद कीजिए। अब सुनिए, अब इसका भी कितना 1/4, तो यहाँ बचेगा 3/4, और यहाँ मिला दिया 1/4, ठीक है ना। अब इसमें भी 6 बच गया, यहां मिला दिया, उसको छोड़ दो, हमको हमको एक ही निकालना है ना, इसलिए यहीं से निकाल दे रहा हूं, ठीक है, इसका 1/4 यहां मिलाएगा, चलो पूछता तो बताते हैं, लेकिन पूछा ही नहीं, 8, 5 गया,
तो ए के पास कितना था पहले? चार, तो ए चार था, ठीक है ना। अठारह नंबर, SCF LCM, कहा कि इतना में खरीदा और कुछ इतने ही कॉस्ट प्राइस पे, जिस दाम में खरीदा उसी दाम में बेच दिया, और कम से कम संख्या में परचेज किया था। कम से कम संख्या में परचेज किया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस मैक्सिमम होगा, बड़ा से बड़ा होगा, और जो बड़ा से बड़ा प्राइस होगा उसका HCF होगा। तो इसका HCF 125 53, और ये कितना रहा है 31 ना। अब बचा कितना उसके पास, 22 बच गया। जो मैक्सिमम प्राइस निकल सके वो निकाल दिया, जो बचेगा क्वांटिटी होगा पेन का, तो 53 परचेज किया, 31 यही ना, देखो तो डिवाइड करके ये आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दें, कहा कि एक बस टर्मिनल से 20 मिनट के इंटरवल बस रवाना हुई। मान लो यहाँ बस टर्मिनल हर 20 मिनट में बस यहाँ मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्ति जो है बस के दिशा में, मतलब बस इधर चल रहा है ना भाई, उसी दिशा में और चल दिया, ज़्यादा नहीं बस 25 मिनट ही चला था कि दूसरी बस उसे मिल गया, व्यक्ति को मिला। व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला 25 मिनट तो बस मिल गई, लेकिन बस यहाँ तो 20 मिनट पहुँच जाती है ना, तो यहाँ पहुँची है 25 मिनट में, तो बस को यहाँ से कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, यही ना। बस को यहाँ से कितना लगेगा, 5 मिनट। तो बस और व्यक्ति का टाइम, बस जितना दूरी 5 मिनट तय करती है और व्यक्ति 25 मिनट में, मतलब ये हो गया इनका टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5:1। अब हमें किसका स्पीड दिया है, कितना दिया है, दिया है क्वेश्चन में, कहाँ दिया है? अच्छा ठीक है, पहला रेशियो पूछ दिया, रेशियो सही नहीं दिया, काट के देना चाहिए था, है ना, कोई बात नहीं, वही है 1:5। तो यहाँ दिया है कि यदि व्यक्ति का स्पीड 5 है तो बस का स्पीड 1/5, तो इसका 25, तो इसका स्पीड 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत तकलीफ नो। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर देखिए क्या बोला, एक रोम्बस है ना, उसका पैरामीटर कितना है, 2a है। पैरामीटर क्या मालूम है, 4 × साइड, 4 × साइड बराबर क्या दिया है, 2a। तो साइड कितना हो गया, a/2, और साइड कैसे निकलता है, 1/√d1² + d2² बराबर a/2। तो यहाँ से निकल गया d1² + d2² क्या निकल गया, a². इनके दोनों विकर्ण का योग d1 + d2 हमें निकालना है, और एरिया भी दिया है, क्या दिया है, 1/2 × d1, एरिया क्या होता है, 1/2 × d2, ये कितना दिया है, b, तो d1 × d2 कितना हो गया, 2b हो गया। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें a + b, a² b² a × b सब आ जाए, तो a + b का होल स्क्वायर पे, तो d1 + d2 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² b² + 2ab होगा। a² b² हमें कितना दे रखा है, a², d1 d2 कितना दे रखा है, 2b, तो d1 + d2 √a² + 4b, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 जैसे कहा कि एक शंकु है, कौन इसके अंदर में जो है बड़े ही सी बड़ा का स्फीयर है, द लार्जेस्ट स्फीयर इन साइड द कौन, ठीक है ना, ठीक है। इसका रेडियस
सिक्स है ना, देखो तो। और हाइट कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, आठ है, छः आठ, तो ये पूरा कितना हो गया, दस। अब ये सिक्स है तो यहाँ तक क्या होगा, सिक्स, तो ये क्या बच गया, फोर। ये इसका सेंटर है, तो ये क्या है, इसका रेडियस है ना, और रेडियस यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बहुत अच्छा, अब देखिए ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे, इसमें ये 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन, तीसरा अपने आप इक्वल, यही ना, ठीक है। इसके सामने आर लिया तो इसके सामने सिक्स लेंगे, इसके सामने थर्ड के सामने में फोर लिया तो थर्ड के सामने पूरा क्या लेंगे, आठ लेंगे, चार दुनी आठ, तीन, रेडियस कितना आ गया, तीन सेंटीमीटर, ठीक है ना। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और गोले का फोर बाय थ्री पाई आर का क्यू, ठीक है ना, तीन, एक तीन से तीन कट गया, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, कोई दिक्कत, एक तीन नहीं काट रहा हूँ, इधर से काट देता हूँ, ठीक है, पाई से पाई, चार से चार, क्या होगा, आठ अनुपात एक तीन बच गया, एट इज टू थ्री, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी काटो आंसर तो वही आएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट 22 नंबर, 22 नंबर देखते हैं। कहा कि 2008 में तीनों कंपनी का एवरेज निकाल लें, तो क्या हो गया 400, क्यों, क्योंकि एक का है 450, एक का है 400, एक का 350, ऐसे भी एवरेज बीच में आ रहा, देखो है ना, 400 हो जाएगा, ठीक है ना, साफ साफ जितना इधर बढ़ रहा उतना ही घट रहा है, तो एवरेज कितना है, 400 कहीं तो है, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 23, जरा क्या दिया है, किस वर्ष में बी कमन बी और कंपनी ए लाभ का अंतर सबसे कम है, कम का डिफरेंस देखिए जरा, सबसे कम कहाँ पर है, कब कम है, कंपनी ए और बी का पूछा है ना, तो सबसे कम जो है कहाँ पास है, सात में, सात बिल्कुल पास है, नहीं हाँ, तो इसका मतलब कौन सा होगा, 2000 इनमें से कोई नहीं आ रहा है, सबसे नज़दीक है ना ए और बी का है ना, क्या होगा 2007 होगा ना, यही होगा ना, फोटो सब इसका साफ साफ दिख रहा है, ए और बी यही दोनों है ना, सबसे कम का डिफरेंस है ना, सबसे साथ में आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लोजेस्ट है ना, हाँ जी, नौ में ओवरलैप कर गया क्या दोनों, अरे नौ में तो और भी कम है, नौ में बिल्कुल ओवरलैप कर गया ना दोनों का, डाटा देखो बनाया होगा उल्टा सीधा, कोई दिक्कत, नौ भी हो तभी नौ होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं मारो, ठीक है ना, 2009 ही मारेंगे, ठीक है ना, और तो नहीं है कोई, देख के बताओ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा ये, अभी है तो बता देना, दिखाई दिया, आगे 24 छः में और सात में इधर लगभग कितना परसेंट वृद्धि होता है, छः में कितना है, सात में कितना था, 24 नंबर कितना, छः में देखो कंपनी का कितना है, हाँ भाई 200, और सात में कितना है, 375, कितना बढ़ गया, 100 × 100 बटा में 200, 25 चौके, ठीक है ना, 25 से काटो इसको, कितना,
चार सौ बटा में भाग दो, अप्रॉक्स 36%, यही ना, कोई दिक्कत? 25 नंबर, कंपनी ए का 2004 में अर्जित लाभ और दो हाँ सी का लाभ का अंतर देखो जरा। ए का लाभ कितना है 2004 में? 2004 में कितना? ठीक से देखो। और 2009 में सी का लाभ कितना है? 400। अंतर कितने का है? 100 करोड़ का है, तो 100 का अंतर हो गया। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बस आज इतना ही।